हेलो एवरीबॉडी दिस इज दिंग राजपूत वेलकम टू मैग्नेट इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस देखिए मेडिटेरेनियन वर्ड जो है आप बहुत सी बार पढ़ चुके हैं क्लाइमेट में पढ़ा है अपने कॉपन क्लासिफिकेशन में पढ़ा है और मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर भी पहले सुना होगा तो देखिए एग्रीकल्चर के टाइप्स को पढ़ते आ रहे हैं हम प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा किया के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं तो अलग अलग तरह से जो खेती की जाती है आप क्या पढ़ने वाले मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में देखो सिंपल लॉजिक क्या है यहां कि वो एग्रीकल्चर जो मेडिटेरेनियन रीजन में परफॉर्म किया जाता है ठीक है मेडिटेरेनियन रीजन कहा है तो आपको मेडिटेरेनियन सी ध्यान होगा ठीक है और मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो क्लाइमेट रहता है उसी से मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का नाम पड़ा है और ये क्लाइमेट जो है तो मेडिटेरेनियन रीजन के अलावा भी दूसरे कंट्रीज में दूसरे कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने को मिलेगा जैसे साउथ अफ्रीका केप टाउन वाले रीजन में साउथ अमेरिका में अगर आप चले जाओगे तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ चिली पे ठीक है और वेस्टर्न कैलिफोर्निया में आपको देखने को मिल जाएगा साउथ साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिल जाएगा तो जहां-जहां मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है तो आप जिस देखेंगे तो विंटर्स uh, में रेनशार होता है उसके बाद में प्लीजेंट क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर इस तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है तो वो कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए बहुत फेवरेबल हो जाती है ठीक है तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन एरियाज में जब कुछ स्पेसिफिक को ग्रो किया जाता है तो वहां पे हम क्या स्पेशलाइज कमर्शियल एग्रीकल्चर दिस हाइली स्पेशलाइज कमर्शियल एग्रीकल्चर इज प्रेक्टिस्ड इन कंट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप एंड इन नॉर्थ अफ्रीका ठीक है, है। तो आइदर साइड ऑफ यूरोप आइदर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी इन अफ्रीका एंड यूरोप तो आप देखोगे तो यूरोप तो में क्या स्पेन फ्रांस इटली क्रोशिया सर्बिया ग्रीस ये सारे देश आ जाएंगे टर्की वगैरह भी अफ्रीका की बात करोगे तो टूनिशिया हो गया ठीक है अटलांटिक कोस्ट में वेस्ट में चले जाओ अल्जीरिया लीबिया इजिप्ट ठीक तो ये जो रीजन है यहां पे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है एरिया आइडेंटिफाई कर लिया

तो वो खट्टे वाले जो आते हैं ठीक है थीके? तो ऑरेंज हो गया लेमन हो गया ग्रेप्स हो गया इस तरह के फ्रूट्स को यहां पे क्या किया जाता है कल्टीवेट कल्टिवेट करा, आ, किया जाता है सिट्रिक एसिड जिसमें होता है ठीक है तो वो सारे फ्रूट्स कल्टीवेट किए जाते हैं वो सारी क्रॉप्स जो है तो प्लांटेशन के फॉर्म में भी वाइन यार्ड वगैरह जैसे होते हैं आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रेप्स एक साथ लगा दिए जाते हैं अब इन ग्रेप्स का क्या करेंगे तो वाइन प्रोडक्शन जो होता है इन में बहुत ज्यादा होती है अगर आप लिस्ट देखोगे ना कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वाइन कहां प्रोड्यूस होती है तो वो कंट्रीज सारे मेडिटेरियन रीजन पे आपको मिलेंगे जैसे इटली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइन ठीक अब ग्रेप्स वहीं पे हो रहे हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट है ग्रेप्स की कल्टीवेशन हो रहा है मेडि, मेडि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है तो वाइन भी बनेगी इटली हो गया उसके बाद में आप जैसे और देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया ठीक है यहां पे क्या होता है व, आ, ग्रेप्स का क्योंकि कल्टीवेशन हो रहा है सिट्रस फ्रूट्स का कल्टीवेशन हो रहा है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जा रहा है तो उससे जुड़ी हुई एसोसिएटेड एक्टिविटीज भी परफॉर्म की जाती है क्लियर हुआ है यहां तक मेडिटेरियन एग्रीकल्चर फिर आगे देखें तो जैसे आ गया विटीकल्चर विटीकल्चर और ग्रेस कल्टीवेशन अलग अलग कल्चर ध्यान रखना आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज नोन वॉट तो विटीकल्चर ठीक है विटीकल्चर और ग्रेप कल्टिवेशन इज ए स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरियन रीजन बेस्ट क्वालिटी इन वर्ल्ड विद डिस्टिंक्टिव फ्लेवर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स इन वेरियस कंट्रीज ऑफ दीज रीजन अब मेडिटेर एग्रीकल्चर को परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हाई क्वालिटी ग्रेप्स वो प्रोड्यूस करेंगे तो उन ग्रेप्स से क्या बनेंगी जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स रहते हैं उनसे वाइन बना ली अब जो बचे हैं सर उसका क्या करेंगे तो जो बचे रहते हैं उससे क्या इस तरह से रेजेंस और क्यूरेंट्स वगैरह बना ले जाते हैं अब क्या होता है रेजेंस क्यूरेंट्स तो देखो दी इंफीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इन टू एंड क्यूरेंट्स जो थोड़ा कह सकते हैं जिसके जो ज्यादा जूसी नहीं रहते हैं या फिर कह सकते हैं जो इन्फीरियर क्वालिटी के रहते हैं थोड़े से उन ग्रेप्स की मदद से क्या किया जाता है किशमिश बना दी जाती है और वो किशमिश भेज दी जाती है आपको ठीक अब आप किशमिश भी देखोगे क्यूरेंट्स और इसमें रेजेंस में क्या डिफरेंस है तो ऐसे दोनों ही ग्रेप्स से बन रहे हैं बस ये होता है कि जो डार्क ब्लैक कलर के होते हैं ना वो क्यूरेंट्स होते हैं बाकी जो नॉर्मल आप किशमिश देखते हो वो रेजेंस की कैटेगरी में जाता है इसमें बहुत सारे टाइप रहते हैं ठीक है एक बीज वाला होता तो वो अलग उसे अलग रेजिन कहा जाता है ठीक है तो इस तरह से मल्टीपल टाइप्स ऑफ कह सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में जो आ जाते हैं विच आर ऑप्टेन फ्रॉम इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स क्योंकि जो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स रहते हैं उनसे तो वाइन बना दी जाती है ठीक है दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूसेज ऑलिव एंड फिग्स ऑलिव समझते हैं ऑलिव ऑयल हो गया फिर फ्रिग्स की अगर बात करें तो अंजीर है तो अंजीर इस तरह से पेड़ पे लगता है फिर वो उसको सुखा के इस तरह से अंजीर बना दिया जाता है वो रस्सी में रहता है और फिर क्या कर देते हैं बेच दिया जाता है तो आ, ये चीज भी ध्यान रखना है कि ऑलिव हो गया फिग्स हो गया रेजिंस हो गया क्यूरेंट्स हो गए ऑरेंज हो गए तो इस तरह के अब ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ना ये प्रोडक्ट्स आपको क्या लगता है ये सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है दी वैल्यूबल क्रॉप्स हैव ग्रेट डिमांड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये मतलब ये ए, एक ऐसा ऑप्शन भी निकल के आता है कि आप कहते हैं कि इंडिया में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है एक तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर सेक्टर को आप देखते हो तो वो आ, उतना प्रोडक्टिव नहीं है या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है इनकम शॉर्टेज देखने को मिलती है तो एक अल्टरनेटिव ये भी बताया जाता है कि जहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल है जैसे कश्मीर वगैरह में देखोगे तो कश्मीर में जो फार्मर्स हैं तो उन फार्मर्स की इनकम में फिर भी आपको क्या देखने को मिलेगा उन फार्मर्स की इनकम में आपको एक रिलेटिव कंपैरिजन करोगे तो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि वो हाई वैल्यू क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं वॉलनट हो गया एप्पल वगैरह होगा तो हाई वैल्यू क्रॉप्स को जब आप कल्टीवेट करोगे तो उससे आपको पैसा ज्यादा मिलेगा तो अब मेडिटेरेनियन रीजन में भी इस तरह से जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते हैं उन फार्मर्स को वहां पे मतलब वो भी प्राइमरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है वो हाई वैल्यू क्रॉप है ठीक है वैल्यूबल क्रॉप होने के कारण उनकी इनकम जो रहती है सस्टेन रहती है ठीक तो है तो मेडिटेनियन एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं जो मेडिटेरनियन रीजन में उन लोगों के पास में कह सकते हैं इनकम जो रहती है तो रिलेटिवली दूसरे फार्मर्स से बेहतर रहती है तो और इन, इन वैल्यूबल क्रॉप की डिमांड भी रहती है वर्ल्ड वाइड इन्हें बेचा जाता है आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड जो रेजन हैं क्यूरेंट्स हैं वाइन है इसकी तो डिमांड रहेगी रहेगी वैल्यू एडिशन भी हो रहा है और कहां से जाएगा तो मेडिटेरियन रीजन से जाएगा में सो दिस द स्टोरी अबाउट मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्लियर हो गया ये सारी चीजें देख ली अब हम देखेंगे कि अभी एग्रीकल्चर खत्म नहीं हुआ है एग्रीकल्चर में अभी और भी टॉपिक्स हैं तो जैसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि कहीं कहीं एक तरह से हॉर्टिकल्चर को परफॉर्म किया जाता है ठीक वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं ट्रक फार्मिंग क्या होता है तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं मैग्नेट ब्रीन्स पर किन्डर से क्लास ट्वेल्व तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स चैप्टर्स टॉपिक्स सब टॉपिक्स सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच